हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 का रिजल्ट एनटीए ने एक बार फिर से रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो उस स्कोर से कितनी रैंक के ऊपर कितना फर्क पड़ा है, स्कोर चेंज होने से यानी कि -5 मार्क्स होने से क्या फर्क पड़ा है, या फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा किसी स्टूडेंट को, यानी कि जितना स्कोर उनका था तो उनकी रैंक वहां से इंक्रीज होकर कितनी पहुंच गई है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने पॉसिबल जो डेटाज हैं मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी रैंक में चेंज आए हैं और क्या कुछ होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी बात कर लेंगे क्योंकि वो भी कम हुए हैं और बहुत से बच्चों का यह क्वेश्चन था कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स कम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो जो जो मैंने रिप्लाई स्टूडेंट्स को किए थे उनको ये बात, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ गई होगी कि जो हमने बात कही थी वो हो चुकी है। तो इसलिए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और मैं आपके लिए, अब जैसे कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो उसमें हर एक राउंड के थ्रू आपको अपडेट करता रहूँगा इसी तरीके से वीडियोज़ के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को करोगे, जितने आप देखते हो उतने ही आप सब्सक्राइब पहले करोगे उसके बाद में आप वीडियो को शेयर करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करोगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्कोर अवेलेबल हैं जिन स्टूडेंट्स ने ये मैसेज सेंड किए थे उनका मैं स्क्रीन के ऊपर लगा भी दूंगा, कहीं ना कहीं पे आपको दिख जाएंगे कि किस किस तरीके से स्टूडेंट के मार्क्स चेंज हुए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं, 7000 रैंक का भी चेंज आया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पर फिलहाल बात करते हैं कि स्कोर के ऊपर कि एक बच्चे का स्कोर जो कि ओल्ड स्कोर था 691 था लेकिन उनका -5 हो गया है तो अब उनका स्कोर 686 पे पहुंच गया था, यानी कि अब पहुंच गया है नए रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो इनकी जो रैंक थी यानी कि पहले जो इनकी रैंक थी 691 पे वो थी 3973, लेकिन अब ये रैंक जा पहुंची है 4474 पे, यानी कि 501 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है, जो कि मैंने रेड स्टार इसीलिए है क्योंकि ये रैंक इनकी डिक्रीज हुई है, कम हुई है, यानी कि कम हो चुकी है, यानी कि ये ज़्यादा रैंक है ये कम रैंक है क्योंकि एडमिशन के नज़दीक ये वाली रैंक ज़्यादा है। तो ये मेरा कहने का मतलब होगा इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं जिस बच्चे का स्कोर 676 था लेकिन उसका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं हुआ, अभी भी 676 है, तो अब इसकी रैंक जो पहले 10,841 थी अब ये 9,031 पे पहुंच गई है और ये रैंक में डिफरेंस 1810 रैंक का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो ग्रीन कलर से स्टार है इसका मतलब है कि इनकी रैंक अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले में। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है किसी बच्चे का, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैं लगा भी दूंगा। अब क्योंकि मैंने कहा था कि जिस बच्चे का स्कोर 650 या फिर इससे ज़्यादा है या फिर वो 700 के पास में जाता चला जाएगा उतने ही उसकी रैंक में डिफरेंस कम आता चला जाएगा, क्योंकि बच्चों की प्रोबेबिलिटी कम होती है कि 650 से जैसे जैसे वो मार्क्स इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर डिफरेंस बच्चों का कम हो जाएगा क्योंकि सब इतना स्कोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर जो कि 690 या कि 686 से लेकर 691 के बीच में 501 स्टूडेंट का फर्क है, यानी कि रैंक है तो मतलब स्टूडेंट्स ही हुए, और उसी बीच अगर 10 मार्क्स अपन कम कर दें तो यहां पर देखो 1810 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि जो रैंक है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो जैसे जैसे आप नंबर इंक्रीज होते चले जाते हैं टॉप स्कोर की तरफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते चले जाते हैं। तो ये बात हुई दो स्कोर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका स्कोर कितना चेंज हुआ है, पहले कितनी थी रैंक, कितना स्कोर था और अब क्या उसमें चेंजेस आए हैं, वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अपना स्कोर, अपने रैंक, अपनी कैटेगरी, ये सब मुझे आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। और अगर ये वीडियो काफी लंबा नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आपकी इतनी है तो सेफ आपको रहना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 668 मार्क्स जिनका स्कोर वही था, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि इनका -5 नहीं हुआ, लेकिन पहले इनकी रैंक थी 15,659, अब इनकी रैंक हो चुकी है 13,605, अब इनमें डिफरेंस आया है 2054 रैंक का। अब जैसे जैसे मैंने कहा कि 650 से ऊपर जाएंगे स्कोर में बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस कम होता चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये बात मैंने आपको समझाई थी और आपने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया था लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया था, तो इस वीडियो में ऐसा मत करना, आप सब्सक्राइब करना और फिर अप्रिशिएट करना। तो ये नंबर आप देख सकते हो,
नेक्स्ट आता है 662 मार्क्स, इनका भी कोई चेंजेस स्कोर में नहीं आया, लेकिन रैंक में पहले 19,439 रैंक थी, अब 17,064 हो गई है। अब इस रैंक में डिफरेंस 2,375 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। अब ये कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको आपके सामने है, और जब अपने में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कि मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर हमारा स्कोर इतने से चेंज हो रहा है तो हमारे रैंक में क्या डिफरेंस आएगा, तो हमने आपको 1500 से 2000 या फिर 2500 से 3000 के बीच में बताया था, तो ये आप यहाँ पर डाटा देख सकते हो। आगे और मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको। नेक्स्ट जो बच्चा आता है जिसका स्कोर था 660, लेकिन इसका -5 होने की वजह से स्कोर पहुंच गया है 655 पे, और रैंक में डिफरेंस आप देखना कि 21,200 इनकी ऑल इंडिया रैंक थी, अब रैंक है 22,401। अब जो डिफरेंस था वो 1201 रैंक का डिफरेंस आया है, यानी कि 1201 स्टूडेंट इनसे ऊपर चले गए हैं। रेड स्टार का मतलब है कि इनकी रैंक कम हो चुकी है सिलेक्शन के मुकाबले में। बात करें EWS कैटेगरी, क्योंकि ये बच्चा EWS का था तो पहले इसकी रैंक थी 2512 EWS कैटेगरी में, अब ये रैंक हो चुकी है EWS के अंदर 2718। तो EWS के अंदर भी 206 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इन 5 नंबर के डिफरेंस के बीच में अवेलेबल थे। तो ये डाटा अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है कि कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर उसको लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी कुछ और डाटा है उनकी मैं बात करता हूँ। देखिए कंप्लीट डाटा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका मिनिमम स्कोर तक मैंने आपको लेने की कोशिश की है। तो 655 जिस बच्चे का स्कोर था लेकिन अभी भी उसका 655 है, उसकी रैंक पहले थी 24,980 थी, लेकिन अब ये रैंक 22,311 पे आ गई है, तो 2669 यानी कि 2669 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है, अच्छी इनकी रैंक हो गई है। ठीक इसी तरीके से 647 जिस बच्चे का स्कोर था माइनस हुआ है 0, यानी कि अभी भी 647 स्कोर पे हैं, लेकिन उनकी रैंक में अच्छा खासा उछाल मिला है। पहले जो 32,070 रैंक थी अब वो 29,113 रैंक पहुंच गई है, और 2,957 रैंक का फ़ायदा बच्चे को हुआ है। और ये कितना ज़्यादा फ़ायदा है आप इजीली इसको समझ सकते हो कि एक नंबर चेंज होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देख ले, यहाँ पर नोट किया हुआ है 632 मार्क्स के स्टूडेंट्स, लेकिन इनका स्कोर अभी भी 632 मार्क्स ही हैं, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो पहले जो रैंक थी 46,189, उसके बाद में रैंक हो गई 43,185 रैंक इनकी अच्छी हो चुकी है पहले के मुकाबले में। नेक्स्ट बात करते हैं जिस बच्चे का स्कोर 621 था, अभी भी 621 ही है, लेकिन रैंक चेक करना कि पहले जो रैंक थी 57,778, अब ये रैंक हो चुकी है 54,387, और डिफरेंस आया है 3,391 रैंक का, जो कि मैंने आपको दो वीडियो में अब बड़े अच्छी तरीके से समझाया था हर एक पॉइंट कर करके कि इस तरीके से डिफरेंस आने वाला है। तो ये कुछ स्कोर थे जो कि मेरे पास डाटा आया था, हो सकता है आपके पास भी डाटा हो तो आप मुझे ज़रूर सेंड करना, मैं आपको और क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आपका स्कोर आपका रैंक आपके पास में होगा तो आप खुद भी मुझे बता सकते हो कि कितना आप में चेंजेस आया और कितनी आपके गवर्नमेंट कॉलेज लेने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग स्कोर के ऊपर भी, क्योंकि बहुत से बच्चों का वो कंसर्न था। लाइक और सब्सक्राइब शेयर वीडियो को ज़रूर करना, अगर यहाँ तक अभी देख रहे हो तो प्लीज़ ये काम जरूर करना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ की, कैटेगरी की बात करें जनरल कैटेगरी और EWS की, तो 162 कट ऑफ यानी कि 2 मार्क्स का डिफरेंस आ चुका है, जो कि पहले 164 था, अब ये डिक्रीज होके 162 हो गया है। तो डेफिनेटली ये कट ऑफ रैंक के ऊपर और कट ऑफ स्कोर के ऊपर फर्क पड़ेगा ही, जो पड़ा जो मैंने आपको समझा दिया। एक्सपेक्टेड स्कोर और रैंक क्या होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है, तो अभी आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो रखा है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 127 मार्क्स पे आ चुका है, जो कि पहले 129 था। बाकी सभी कैटेगरी SC ST इन सभी को मिलाकर ये 127 मार्क्स हैं कट ऑफ स्कोर, यानी कि इस स्कोर तक आप क्वालिफाई हो चुके हो जो कि पहले 129 स्कोर था। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें कि मैंने आपको समझाया कि कितने स्कोर के ऊपर कितना नुकसान होने से आपको कितनी रैंक का नुकसान करना पड़ा, या फिर नुकसान अगर आपका नहीं हुआ है तो कितना फ़ायदा आपको रैंक और स्कोर में हुआ है। तो आइए इतनी बात समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। क्वालिफाइंग स्कोर आपको मैंने समझा दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपेक्टेड स्कोर अगर आपका इतना है तो फिर आपको कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो, कम से कम 2 लोगों को इनको शेयर करो, और उनमें से आप उनको किसी एक को कहो कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे पहले आप खुद को सब्सक्राइब करना है और फिर उन दोनों में से किसी को बोलना है। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करोगे।
ये वीडियो आपको पसंद आया, कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताना। अपना स्कोर, अपना रैंक, अपनी कैटेगरी, अपना स्टेट मुझे जरूर कमेंट करके बताना, या फिर पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। आपकी हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, जिसके लिए पेड काउंसलिंग होगी। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। 6376719190 पे आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो इंक्वायरी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे रहा था। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।